आपकी सड़क बनना, आपका पुल बनना, आपके मजदूरों का जो कारखानों में काम करने का तरीका, वो भी रुक गया। आपकी इकोनॉमी पीछे जा रही है, अर्थव्यवस्था को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए जहां समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं, आपके पार्क बन रहे हैं, चीजें जो पुरानी थी उनको संरक्षण करके सुंदर बनाने का काम हो रहा है, पुल, सड़क, बिजली का इंतजाम, और मैं ये कह सकता हूं लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। अभी कानपुर के एक साथी आए थे और मैंने जानबूझ करके एक को बुलाया था। आपने देखी होगी फिल्म एक कटियाबाज, उस कटियाबाज के हीरो को मैंने बुलाया था कल, उसका नाम लोहा सिंह है, और मैंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वो ये कह रहा था कि हमारी बिजली ठीक हो जाए। मैंने कहा बताओ अब तुम्हें कितना लोग बुलाते हैं। बोला इधर तो हमें कोई नहीं बुला रहा क्योंकि हमें अब बिजली ज्यादा आ रही है। कानपुर जैसे शहर या शहरों में कितनी बिजली आती थी, आज समाजवादी सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है, और गांव में 18 घंटे, ये बड़ी उपलब्धि है। कई बार हम लोग सड़क, पुल और सुविधाओं की बात करते करते बिजली की बात भूल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी से मिल रहा है तो हमारे बिजली जो 24 और 18 घंटे करने का इंतजाम किया उससे भी लाभ पहुंच रहा है। कोई यकीन नहीं करता है कि उत्तर प्रदेश में शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। अब बीजेपी वाले बताएं अगर उन्हें बिजली पहुंचानी है शहरों में तो घंटे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे वो लोग। अब उन्हें कम से कम घंटे बढ़ाने पड़ेंगे दिन में, तभी बिजली ज्यादा दे पाएंगे। 24 घंटे तो समाजवादियों ने इंतजाम कर दिया। एक दूसरा दल और है, पत्थर वाला दिल वाली पार्टी, उसके बारे में क्या कहना, कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, और जो काम भी किया वो आपके सामने है। लखनऊ जैसे शहर में पत्थरों के हाथी लगा दिए, आज भी हमारे नाव पे बैठने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, उनके स्मारक देखने वाले लोग मिलेंगे नहीं आपको। तो जो स्मारक में हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया, इससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए काम के आधार पर और विकास के आधार पर समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बसपा ने किया नहीं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं पाए। इसलिए मैं इस मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि एक बार फिर समाजवादियों को मौका दें, जिससे कि आने वाले समय में यही योजनाएं और तेजी से बढ़ें और सीधे सीधे किसानों, गरीबों को समाजवादी लोग अपनी योजनाओं से मदद पहुंचा सकें। मैं मंत्री जी को और समाज कल्याण के सभी लोगों को बधाई, और जो आज लाभार्थी आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके आने के से कम से कम योजना लोग जान गए कि जो योजना समाजवादियों ने शुरू की थी आज उसमें दोगुना पैसा मिल रहा है, मदद पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।